तो गाइस ये जो सईद बनी की प्रोडक्ट्स हैं मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी कोई अच्छी होंगी, इतने कम प्राइसेस में इतनी अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो मैं आपको वीडियो के साथ बने रहें, आपको फर्दर दिखाती हूँ कि किस तरीके से कौन सी प्रोडक्ट इनकी बेस्ट है जो 110% आप यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। फैशन और स्किन केयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये सईद बनी की प्रोडक्ट है, और ये सईद बनी की जो है रीजनेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 188 से जो है वो स्टार्टेड हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट्स, इसकी हम देख लेते हैं अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है और क्या क्या है इसमें। तो वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलते हैं कि फर्स्ट इसमें क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे वो है हमारा, ये है हमारा फेस वॉश। तो ये चाकोल का फेस वॉश है, ये 250-300 में आपको मिल जाएगा। और इसकी बेस्ट थिंग जो है वो ये कि ऑल टाइप ऑफ स्किन है, एज यूजल इसमें मेंशन हुआ है। तो ये सब स्किन टाइप का जाएगा और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए स्पेशली मेंशन किया गया है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए यूज़फुल है। अच्छा जी, तो इसकी बेहतरीन चीज़ मुझे जो लगी आपको 250-300 में मिल रही है ये कि ये फॉर्मिंग फेस वॉश सिर्फ लिखा नहीं है उन्होंने, ये आपको फॉर्म क्रिएट करके देगा। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट साइड पे कर लेते हैं। कैमरे को थोड़ा और अपनी तरफ खींच लेते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छे से, अच्छा आपको मैं दिखा पाऊँ। तो ये फेस वॉश ओपन करने के बाद दिखाया, चल तो ये कि इसमें लिक्विडी जो है वो टेक्सचर होता है, इसमें लिक्विडी टेक्सचर होता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो है वाटर टाइप की जो है अभी मौजूद है, पर ये जब ये इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ किस तरीके से करेंगे जो कि आपका टेक्सचर जो है वो फॉर्म की तरह आए। तो उसके लिए इसको इस तरीके से जो है आप शेक कर लीजिएगा, अच्छे से आपने इसको शेक करना है यूज़ जब भी आप इसको यूज़ करें। अच्छा, इसमें ये कि एक एरर जो मुझे मिला है वो है इसका पंप जिसको यूज़ करना है वो एक्चुअली बार बार अंदर चला जाता है। तो ये इसमें सिर्फ एक एरर है, पर जो इसका प्रोडक्ट है आई मस्ट से कि आप 300 में इतनी अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत बेहतरीन बात है। और सईद बनी की वैसे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं इसमें, पर जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं और जो रिकमेंड करूँगी मैं, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है ये चारकोल का फॉर्मिंग क्लिंजर फेस वॉश है, फॉर्म है और सेंसिटिव स्किन के लिए सूटेबल है। अच्छा, तो ये कि ये 200-300 वाली चीज़ है, अगर आप बोलें कि आपको इसमें, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पंप में थोड़ा इशू होगा इसका, ये जब इसका फॉर्म आप यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल फॉर्म की शेप में आपके पास सामने आएगा, और इतना स्मूथ और इतना वो जो है इसमें पिगमेंट्स भी नहीं है, बिल्कुल लाइट से पिगमेंट्स है। और जो लाइटेड होते हैं पिगमेंट्स वाले वो अच्छी चीज़ होती है और बेहतरीन होती है। ये कि आपको स्टार्ट में जब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे आपको लगेगा जैसे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं लाइफबॉय वाला, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्म बहुत लाइटेड है, स्कूल गोइंग टीनएजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइटेड वेटेड है और अच्छी क्वालिटी है। 300 में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाए, और ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है क्योंकि जब आप फेस वॉश करेंगे उसके बाद एक आपको ये होता है कि ऑयली स्किन वालों का गर्मियों में स्किन इतनी रफ और जो है वो बिल्कुल डल टाइप की लगती है, तो इससे जो है ना आपकी स्किन पे एक ग्लो सा भी आएगा। ये फर्स्ट पे नहीं आएगा, तकरीबन आपको 10 से 15 दिन यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना आपका अच्छा सा ग्लो स्किन पर आएगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल से स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, और ये कि ब्यूटी प्रोडक्ट है सईद बनी वालों का, और भी काफ़ी सारे इसके हैं। और ये आपको 150 ml मिल जाएगा, देखिए 150 ml लिखा हुआ है, 150 ml आपको मिल जाएगा। ये चाकोल इसमें तो नहीं दिखेगा आपको, पर ये कि फॉर्म है तो चाइनीज़ काफ़ी यूज़ किया जाता है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें
चाइना वाले फॉर्म को यूज़ करते हैं, तभी उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग और फ्रेश रहती है, मे बी कि केमिकल कम होने की वजह से। तो ये फॉर्म का मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, 200-300 में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसी तरह के चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू स्किन केयर है, फेस रिकॉर्डिंग है। तो ये डेली फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप 3 से 4 बार यूज़ करेंगे दिन में। 5 बार भी यूज़ करें तो स्किन को इफेक्ट नहीं करेगा, आपकी स्किन हार्श नहीं दिखेगी, बिल्कुल लाइट लगेगी, और ये कि ग्लो छोड़ेगा आपकी स्किन पे, बेस्ट थिंग है। 200-300 में आपको इतनी सी चीज़ मिल जाए, वेल एंड गुड, गो एंड परचेज इट। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरी जो है वो है मेरा गोट मिल्क फेस क्लींजर। इस प्रोडक्ट को यूज़ करना ऑयल, ये वैसे ऑल स्किन टाइप है। गोल्ड मिल्क के बारे में कहा जाता है कि स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये कि मैंने अभी इसको 2 से 3 बार यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो इसकी जो है ना, आपको टेक्सचर दिखा देते हैं, ये इस टाइप की जो है ना जार में आपको मिलेगा, काफ़ी बड़ा जार है। ये भी आपको 250-300 में मिल जाएगा। इनकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसकी फ्रेग्रेंस भी इतनी लाइट सी है और माइल्ड सी है, और काफ़ी जो है अच्छा प्रोडक्ट लगता है। और ये कि क्लिंजर है, अच्छा ये भी आप टीन एजर्स वाले इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई केमिकल इफेक्ट नहीं होगा। टीन एजर्स के लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सही करने की बहुत रीजनेबल और अच्छी है, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, ऑयल आ रहा होता है, पिंपल्स हो रहे होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। आप यूज़ कर सकते हैं इनको, और रीजनेबल के साथ होने के साथ आपकी स्किन पे इफेक्ट नहीं करेंगी ये चीज़ें। तो इसकी जो है काफ़ी 2-3 साल जो है ना, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्सपायरी है। तो ये कि आपकी स्किन को विदाउट ड्राइनेस जो है, ये जनरली जो है वो क्लीन करेगा, तो ये बेहतरीन, सही कहा उन्होंने, जो उन्होंने मेंशन किया है वही वैसे ही है। उन्होंने कहा 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको मसाज कर लें, तो 2 से 3 मिनट के लिए मसाज की है, और उसके बाद इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। जैसे कि अच्छा, जो मुझे इसका रिजल्ट लगा वो ये लगा कि ये थोड़ा सा ना स्किन को, मुझे लगा, मेरी स्किन पे मुझे लगा कि डल कर रहा। तो ये कि मे बी 15 से 20 बार इसको यूज़ किया जाए, आप इसको डेली बेसिस पर तो नहीं, अब वैसे आप डेली पे भी यूज़ करें तो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो मेकअप ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ की जाती है लेडीज़ की, वो इनको यूज़ कर सकती हैं, कोई इफेक्ट नहीं करेगा आपका। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो लाजमी यूज़ कर सकते हैं, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी क्लेंजर यूज़ करने की, और जो है आपका प्रोडक्ट भी अच्छा आपको, आपकी स्किन पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी हमारा हो गया, लेकिन मैं इसके ज़्यादा आपको रिव्यू, आपके बेनिफिट नहीं बता सकती। गोल्ड मिल्क का कहा जाता है कि स्किन वाइटनिंग के लिए होता है, पर ये इतना आपको चिट्टा नहीं करेगा। तो ये कि आप क्लिंजर के लिए टीन एडर्स इसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल लाइट है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, उन पर ये बिल्कुल ही जो है वो रिजनेबल प्राइस में आपको सूट हो जाएगा। काफ़ी क्लिंजर्स है मार्केट में, पर केमिकल फ्री जो है मुझे यही लगा, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। इंग्रेडिएंट्स की तरफ मैं देख लेती हूँ कौन कौन सा है मार्केट, इसको मैं वापस इसमें डाल दूँ। तो क्लिंजर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए इनकी तरफ से, उन्होंने बस ये लिखा है कि इसमें गोल्ड मिल्क है, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए सही करने की प्रोडक्ट है, जनरली एक्सपोज और सेंसिटिव स्किन के लिए बेहतरीन है। ये सेंसिटिव स्किन वाले ये सारी प्रोडक्ट्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं, मुझे वैसे इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी लगी, मेरी स्किन ऑयली प्लस सेंसिटिव है, तो मैं ये प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करूँगी आपको। चलें जी, अभी मुंह की तो हो गई, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्यूटी की तरफ, जो कि काफ़ी फेमस इनका है, वो है फूड, इनके फीड और हैंड के लिए क्रीम। तो ये प्रोडक्ट है इनकी जो काफ़ी जो है मार्केट में इन है, और काफ़ी परचेजिंग की जाती है, ये भी आपको 300-350 की पड़ जाएगी, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी दूसरी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। तो इसमें ये है कि इसकी जो है वो काफ़ी सारे फ्रूट्स इन्होंने शो किए हैं कि इसमें जो है हमारे पास मिल जाएगा हमें खोपरा, ऑरेंज, ऑरेंज यूज़ किया जाता है विटामिन सी ताकि वाइटनिंग हो, और इसके लिए पपाया है। तो ये इस तरीके से इन्होंने कवर में डाला हुआ है, और इसमें भी आप देख सकते हैं जार काफ़ी बड़ा है, और इसको जब ओपन करें हम लोग तो
तो ये ऐसे एक रैपर आपने उठाना है। फिर उसके बाद दूसरी भी है इसमें, खुल नहीं रही, तो ये बिल्कुल जो है ना लाइट सी क्वालिटी का है, तो ये काफ़ी मैंने यूज़ की हुई है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी देखिए जार काफ़ी, 300 में आपको इतनी बड़ी हैंड फूड क्रीम मिल जाएगी, तो अच्छी। अच्छा, इसका बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने देखा है, बिल्कुल लाइट सा है, हैंड और फीट के लिए क्रीम के साथ मैं ये बोलूँगी कि ये स्किन को फेयर भी कर रहा है। और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, मिनरल ऑयल डाला है, ग्लिसरीन डाला है, ग्लिसरीन से स्किन फेयर होती है, क्लीन होती है, क्योंकि वो स्किन को हीट अप करके उसमें से जो डर्ट वगैरह है उसको निकाल देता है। तो उसके बाद इसमें जो है अल्कोहल डाला है, फील बिल्कुल नहीं होता अल्कोहल। और दो तीन चीज़ें और हैं जो इन्होंने मेंशन की हुई हैं, तो ये कि कोकोनट के ऑरेंज और मिल्क और पपाया इनके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन्होंने इसमें यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये भी ये कि आप यूज़ कर सकते हो, और जब इसको हैंड और फीट पे लगाएं तो आपकी स्किन जो है हैंड की और फीट की फेयर फील होती है, फ्रेश फील होती है। और इसको आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार लगा देंगे तो चल जाएगा, आपको ये देखें रीजनेबल प्राइस में, छोटी बॉटल्स भी काफ़ी बड़ी है, तो ये आपको कम प्राइस में मिल रही है, तो इसकी लास्टिंग जो है वो आधा से 1 घंटा है, उसके बाद दोबारा आप इसको यूटिलाइज करें अगर आप करना चाहें। वैसे ये कि एक बार लगाएंगे तो 2-3 घंटे चल जाएगी। गर्मियों में कम ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल वैसे ये दिखने में भी ये कि ऑयली नहीं है, स्टिकी नहीं है, जैसे आप इसको स्किन पे लगाएंगे 2 मिनट में ये अब्सॉर्ब हो जाती है, और मैं भी उससे कम टाइम में, मैं ज़्यादा टाइम बता रही हूँ। तो ये भी अच्छी प्रोडक्ट है, अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर रीजनेबल प्राइस में आपको फ्रूटी सा एक फ्लेवर सा मिल जाएगा, और इसमें एक्सपेंसिव भी नहीं, और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए चल जाएगी, कोई हार्श इसका जो है ना केमिकल यूज़ नहीं किया गया, और अच्छी जो है प्रोडक्ट है। और जो है इसके बेनिफिट्स यही हैं कि स्किन फेयर, यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा यूजली यही होता है कि स्किन फेयर, और ये ट्रेंडिंग ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो ये कि अगर आप यंग एज में हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी और फेयर हो जाएगी ग्लिसरिंग की वजह से। तो ये प्रोडक्ट अभी बंद करके साइड पे करके मैं आपको, इसके अलावा जो अभी के हमने हैंड फीट की भी बात कर ली, फेस की बात कर ली, तो चलते हैं बालों की तरफ। तो बालों के लिए मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ की है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इसको साइड पे करके दूसरी दिखाते हैं। तो जो बालों के लिए मैंने यूज़ किया है वो हमारा ये प्रोडक्ट है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट ये कि आपको ये 450-500 में मिल जाएगा, ये आपकी हेयर ग्रोथ वाटर है। इसको खोल लेते हैं, वैसे इसको साइड पे चेक करूँ तो आप देखते हैं इसमें लिखा हुआ है हेयर ग्रो वाटर, जो कि आपके बालों को टूटने से बचाएगा और ग्रोथ इसमें होगी, और टूटने का मैं 100% बोलूँगी कि आप, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, वैसे सारी प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड है। बस इस पर थोड़ा ये कि जिसको ये सूट कर जाए वो कर ले, जिसको नहीं करे वो नहीं यूज़ करे, बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, और ये 1 in 10% मैं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके बाल टूटेंगे ही नहीं जिसको ये सूट कर गया। तो ये सिंपली ऐसे इतनी बड़ी बॉटल ना आपको मिल जाएगी, और ये बॉटल जो है आपने स्कैल्स पे लगानी है अपने, जिनकी डैंड्रफ का इश्यू है वो ख़त्म होगा, और उसके अलावा कि आपके बालों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, नॉन ग्रीसी है, इससे ये कि आपके बालों पे कोई ग्रीस टाइप का होता है ना वो नहीं होगा, तो ग्रीस टाइप ऑयल लगाओ तो ग्रीस ग्रीस हो जाती है, वैसा नहीं है। आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, हिना डाली हुई है उन्होंने, नीम डाला हुआ है, आंवला डाला हुआ है, और इसी तरह की काफ़ी और केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ये आपको डेंड्रफ भी करना चाहें तो आप इसको यूज़ करते हैं, आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, सुबह के टाइम यूज़ करें और रात में यूज़ कर लें। और ये कि आपकी स्कैल्प जो है ड्राई होने चाहिए, और ये गारंटी है कि आपके बाल टूटना बहुत कम हो जाएंगे। ये बेस्ट प्रोडक्ट मुझे इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसमें से यही लगा है, आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये सिंपल सी ये बॉटल है जिसमें पानी इनका मौजूद है। अच्छा, इसकी स्मेल भी इतनी नहीं है, बिल्कुल लाइट सी स्मेल है, तो ये मेरी तरफ से आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, जिनको डैंड्रफ का इशू है और जिनके स्केल्स का ये कि ऑयली हो जाते हैं, उसमें ये काफ़ी आपको यूज़फुल रहेगा, हेल्दी आपके स्केल को करेगा।
और ये जिनके बाल पतले हैं वो यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके वॉल्यूम बालों में आ जाए और काफ़ी जो है ना वॉल्यूम वाले आपके बाल लगेंगे। तो ये मेरी सारी चीज़ें थी जो मैं यूज़ करने का मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा इनकी और भी हैं ऑयल्स वगैरह, जब वो मैं यूज़ कर लूँगी वो भी मैं आपको उसकी भी आपको रिव्यू दे दूँगी। तो आपको जो प्रोडक्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं, मैं एक साथ आपको सब प्रोडक्ट्स इनके शो कर देती हूँ। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं, जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे ये प्रोडक्ट्स का रिव्यू कैसा लगा और कौन सी प्रोडक्ट आप इसमें से यूज़ करते हैं। तो बने रहें इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के मेरे चैनल के साथ।